आत्मनिर्भर योजना, बहू का मिलकत में हिस्सा, ये दोनों योजनाएं अगर बन जाए ना तो देश की सभी लड़कियों के लिए राहत हो सकती है। पति की मृत्यु, डिवोर्स या पति की नौकरी ना होने पर बहू को ये सारे योजनाओं के पैसे काम लग सकते हैं। पर सासू माँ के कुछ समझती नहीं है, योजनाओं के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। सागर जी, सही कह रही हूँ ना? अरे सागर जी कहाँ चले गए? क्या हुआ? मॉम, मुझे मही के साथ एक घर में रहने में डर लग रहा है। मैं उसके साथ कमरे में कैसे रह सकता हूँ? वो सो रही थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। भाई ने अपने आप को किचन में बंद कर दिया है। तो फिर कौन होगा? कुरियर वाला होगा। भाभी, आपको क्या लगा सागर जी कि मैं सो रही हूँ? तुम जाग रही थी? हाँ, मम्मी जी ने जो बहू के लिए योजनाएं सोची थी उसके बारे में अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, यही सोच रही थी। मॉम, आप दो योजनाएं बनाई हैं, सब भूल दीजिए ना। बोल दो, बोल दो। अरे ऐसे कैसे बोल दो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सासू माँ? सासू माँ, मॉम, भाभी, आपसे बात करनी। मैं देखो मही, मैं मही नहीं हूँ, सनसनी हूँ। क्या कह रही थी आप? सासू माँ, माँ। सासू माँ। और आप लोग मुझे इतना डर क्यों रहे हो? ये लोग, ये भूत हमें पूछ रहा है कि आप लोग डर क्यों रहे हो मॉम? मैं भूत नहीं हूँ, आत्मा हूँ जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई हूँ। हाँ तो तुम्हारी अधूरी इच्छा तो मॉम पूरी करेंगे ना? मैं कैसे करूँगी सर? क्या सासू माँ, आप कब से मैं किए जा रही हो? चलिए बताइए, ये बहू वाली योजना आप कब बनाएंगी? मैंने है ना वो योजना के बारे में बहुत काम किया था मही बेटा, अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा भी की थी, तो उनका यह मानना था कि अगर बहू नौकरी करेगी और जो तनख्वाह आएगी तो उतने पैसे उसके ससुराल वाले कैसे देंगे, और रही बात उसके जायदाद में हिस्सा होने की, तो वो तो उसके पति का हिस्सा पहले से होता ही है ना। जब पति मर जाए या पति पत्नी को छोड़ दे तो ससुराल वाले जब बहू को परेशान करें तो बहू उनसे अलग होकर योजनाओं के पैसों से छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है ना अंशुया बहन? सासू
चलिए सागर जी, मैं तो आपको लेने आई थी। मॉम, 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 क्या कर रहे हो? चलिए मॉम, मॉम, मॉम।